दोस्तों आज हमारे पास है टोयोटा एवलॉन 2008 मॉडल। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिसफायर हो रहा है, इंजन का लाइट ऑन ऑफ हो रहा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिसफायर है। तो अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा मसला है। ये हमारे पास पुराना मॉडल का मिक्सीदास, इससे आज ट्राई करते हैं। जब रिवर्स में लगाते हैं और एसी को ऑन करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिसफायर आ रहा है। तो इसका कोई कॉइल, इग्निशन कॉइल ख़राब है, तो देखते हैं कि कौन से नंबर का कॉइल ख़राब है, क्योंकि इसका जो इग्निशन कॉइल है बहुत अंदर की तरफ आता है। जो बैंक वन है, बैंक टू का तो आसान है, लेकिन अभी इसको स्कैनर के बगैर चेक करना प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये चेक करते हैं, खोलते हैं। इसके लिए इंटेक पूरा खोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे स्कैनर से, स्कैनर जैसा ही पुराना है ऐसा ही उसका काम है। तो दोबारा से तो इसमें तो बहुत सारे कोड आ रहे हैं, ज़्यादा साफ इग्निशन कॉइल का कोड आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। शायद किसी ने खोल के या वायर निकाला है, तो इसमें साफ इग्निशन कॉइल का आ रहा है। तो अभी हम जाते हैं लाइव डाटा में चेक करते हैं कि इसमें कौन सा वाला इग्निशन कॉइल। लाइव डाटा में इसका ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, कोई भी स्कैनर में, नया मॉडल अलेक्सिस हो गया, टोयोटा लैंड क्रूजर हो गया, कि आप हर सिलेंडर इसमें चेक कर सकते हैं, उसका पिकअप, इसका प्रेशर पूरा चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ढूंढते हैं सिलेंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखते हैं कि कौन से वाले में मिस फायरिंग है। इसमें आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा वाला काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंडर नंबर 3 0 नहीं है, तो इसका सिलेंडर नंबर 3 में मसला है, सिलेंडर नंबर 3 ख़राब है। तो इसको इस तरह चेक किया जाता है, जब सब 0 0 हो उस टाइम वो बिल्कुल सही होता है, जब 1, 2, 3, 7, 100 ऐसा कुछ उसमें आते होते हैं, यानी इसमें काउंट होंगे हिंट से, तो वो ख़राब होता है, तो वो मिसफायर इसमें होता है। तो इसमें बिल्कुल 0 पे होना चाहिए। तो अभी हम इसके लोकेशन बताएंगे कि इसका लोकेशन क्या है, नंबर 3 का, नंबर 3 कहाँ पे आता है। तो पूरा तफसील के साथ अभी हम बताते हैं। डिलीट किया लेकिन फिर भी पेंडिंग में आ रहा है, P0353 इग्निशन कॉइल नंबर 3। ये रहा इंजन, ये साइड में आता है 1, ये 2, फिर वो 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6। तो इसका यहाँ पे एक नंबर आता है। तो अभी हम इसका वाइपर पूरा निकालेंगे। वाइपर निकालने के बाद यहाँ से ये इग्निशन कॉइल नंबर 3 है, तो इसको चेंज करेंगे। वीडियो का मकसद था कि इग्निशन कॉइल कहाँ पे आता है, 1 और 2 कहाँ पे आता है, तो 3 ऐसा आता है बैक साइड में।
इसके लिए वाइपर निकाल के फिर आराम से निकल जाता है।